नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी न्यूज प्लस 24। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का तांडव जारी है। राजनांदगांव जिले के मोहला थाना क्षेत्र के पारडी से परवीडीर के बीच पुलिया निर्माण कार्य में लगे वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया है। आपको बता दें, नक्सलियों के इस आगजनी से कंस्ट्रक्शन कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार, जगदलपुर की बी के चावल इंडस्ट्री कंपनी पुल निर्माण का कार्य करा रही थी। मोहला थाना क्षेत्र में लंबे समय के बाद नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। वही घटना की जिम्मेदारी मोहला एरिया कमेटी के नक्सलियों ने ली है। नक्सलियों ने घटनास्थल पर बैनर लगाए हैं, जिसमें क्षेत्र में निर्माण काम बंद करने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक, घोर नक्सल इलाके के मोहला थाना क्षेत्र के पारडी से परवीडी के बीच प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में गाड़ियां लगे थे। इस बीच नक्सलियों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मोहला से किशन साहू की रिपोर्ट। ये परवीडी में पुलिया निर्माण का काम चल रहा था, तो कंपनी है उसके सुपरवाइजर ने आके यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराया। इसमें लगभग 20-25 नक्सली आकर के आज की घटना कार्य किए हैं। थाने में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और पुलिस की योजना शुरू हो गई है। सर, कितनी गाड़ी जलाए हैं? गाड़ी जलाए हैं, ये एक पोकलेन है, दो हाइड्रा है, दो बड़ा मिक्सर मशीन है, एक छोटा मिक्सर मशीन है और एक जनरेटर है। सर, बताया जा रहा है कि वहाँ के परवीडी के पटेल के साथ नक्सलियों ने बेदम और भी लोगों के साथ बेदम पिटाई की है, तो क्या पुलिस उस गांव में अब तक घटना के बाद पहुंची है? रात की घटना है, क्योंकि एरिया अंदर नक्सली एरिया है, तो पूरी तैयारी के साथ पुलिस जो है वहाँ जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। इधर नक्सली मूवमेंट है, अभी नक्सली मूवमेंट है। आपका नाम? घनश्याम कांग्रेस, जो कि अमरगढ़ चौकी।